हाय फ्रेंड्स, जब से ये TRAI द्वारा नया DTH और केबल से रिलेटेड रूल आया है, तब से हम सभी व्यूअर्स को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति है कि आखिर ये चैनल सेलेक्ट कैसे करें और अपने हिसाब से ये चैनल का बुके कैसे तैयार करें। अगर बात कर ले हम लोग मल्टी टीवी यूजर्स की, मतलब घर में अगर एक से ज़्यादा टीवी जो यूज करते हैं और उन सब वो लोग अगर DTH का कनेक्शन लिए हुए हैं, तो उनके लिए अभी आजकल क्या प्रॉब्लम आ रही है, वही इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या होता था इसके बारे में बात कर लिया जाए। तो दोस्तों, पहले होता ये था कि मान लीजिए हमारे घर में 2 TV है, तो एक TV को प्राइमरी कनेक्शन मान लिया जाता था और दूसरे TV के कनेक्शन को सेकेंडरी कनेक्शन मान लिया जाता था। और पहले TV में जितने भी चैनल्स सेलेक्टेड होते थे, जितने चैनल्स हम लोग सब्सक्राइब किए होते थे, सेम चैनल सेकेंडरी TV में आ रहा होता था। और पहले TV प्राइमरी कनेक्शन के लिए जो हमको पैसे देने होते थे, उससे कहीं कम एक फिक्स चार्ज हमको सेकेंडरी कनेक्शन के लिए देना होता था। मसलन अगर 400 रुपये आपको प्राइमरी कनेक्शन के लिए रुपये देने होते थे, तो करीबन 170 या 175 रुपए ही सेकेंडरी TV के लिए हमको देने होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। जब से ये TRAI का नया मैंडेट आया है, तब से ऐसा नहीं हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो प्राइमरी कनेक्शन के लिए आपको चार्जेस देने होते हैं, सेम आपको चार्जेस सेकेंडरी के लिए भी देने होंगे। मतलब अगर 400 रुपये आपको प्राइमरी के लिए देने पड़ते हैं, तो आपको सेकेंडरी के लिए भी 400 रुपये ही देने होंगे, क्योंकि दोनों में चैनल्स का जो बुके है, चैनल का जो पैकेज है, दोनों में सेम है, ये कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। तो इस सभी झंझटों के कारण जो अब मल्टी TV यूजर्स हैं, उनकी खर्च डबल हो गए हैं। तो जो पहले 400 प्लस 175, मतलब 575 रुपये मान लीजिए देने होते थे, वो अब दर्शकों को 400 प्लस 400 800 देने की स्थिति आ गई है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण जो मल्टी TV यूजर्स हैं, उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और टाटा स्काई ने पहले ये घोषणा कर दिया था कि अब आपको मल्टी TV के लिए अलग से अलग अलग सभी TVओं के लिए आपको पूरे पैकेज के पैसे देने होंगे। और ये बाध्यता भी होगी कि जो प्राइमरी कनेक्शन में आपके चैनल से ठीक वही चैनल वही रिफ्लेक्ट होकर आपका सेकेंडरी कनेक्शन में आएंगे। तो एक तो आप बंधन में बंध के सेम चैनल को देखिए और पैसे भी डबल दीजिए। क्यों? क्योंकि जो घर के मेंबर्स हैं, सारे मेंबरों का चॉइस अलग होता है। बच्चे हैं, उनका चॉइस अलग होता है। बड़े लोग हैं, उनके TV देखने का चॉइस अलग होता है। और मिडिल एज वाले लोगों का चॉइस अलग होता है। हर लोगों का फैमिली मेंबर में बहुत सारे लोग होते हैं, हर लोगों का चॉइस अलग अलग होता है। और प्राइमरी कनेक्शन में जो चैनल है, सेम वही अगर हम लोग सेकेंडरी में देखने के बाध्य हो जाए और डबल पैसा दे, तो दोनों तरफ से हमको घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए टाटा स्काई वालों के सामने बहुत सारे दर्शकों ने, बहुत सारे उसके सब्सक्राइबरों ने ये कंप्लेन किया कि ऐसा तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी जो TV है, उसमें सेम चैनल भी देखे और प्राइमरी के चैनल भी देखे और पैसे भी डबल दे। तो अब वो लोग इन सभी बातों को समझते हुए, इन सभी परेशानियों को देखते हुए एक नया रूल अनाउंस कर दिया है, जो कि रूम TV सर्विस है उनका। टाटा स्काई का रूम TV सर्विस आज ही उन्होंने अनाउंस किया है, जिसमें वो अब ऑप्शन को दर्शकों के सामने बढ़ा रहे थे। पहले क्या होता था मल्टी TV यूजर्स के लिए, ये मल्टी TV यूजर्स को के जगह पे ये सर्विस लाया गया है। पहले क्या होता था, जो प्राइमरी कनेक्शन में जो चैनल्स थे, वही सेकेंडरी कनेक्शन में चैनल्स आते थे और आपको पैसे देने होते थे। लेकिन ये जो रूम TV सर्विस है, इसमें अब आप हर घर के मेंबर, जैसे हर घर के मेंबर्स अलग अलग TV अपने अपने रूम्स में लगाए हुए हैं, तो हर घर के मेंबर अब अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से चैनल को सिलेक्ट कर पाएंगे और अपना अलग एक पैकेज बना सकते हैं। और ये जो रूम TV सर्विस है, इसमें पहले से टाटा स्क्वायर द्वारा क्यूरेटेड, मतलब टाटा स्क्वायर द्वारा बनाया हुआ प्री डिफाइंड पैक्स भी अवेलेबल है दर्शकों के लिए। तो इसमें सारे दर्शकों का एक तो कन्फ्यूजन दूर हुआ कि प्राइमरी जो TV है, उसके चैनल्स, उसी के चैनल को देखने की बाध्यता नहीं होगी सेकेंडरी TV में। अब घर के हर मेंबर अलग अलग रूम में अगर TV देख रहे हैं, तो अपने च्वाइस के हिसाब से वो चैनल का बुके तैयार कर सकते हैं। तो ये जो रूम TV सर्विस है, इसको अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपको 2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं टाटा स्काई की तरफ से। पहला ऑप्शन है उनके वेबसाइट द्वारा जाके आप इस
सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.mytatasky.com या जो टाटा स्काई का ऐप है उस पर जाके भी आप ये सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो टाटा स्काई वालों ने ये तो बता दिया है कि अब हर घर के मेंबर अपने हिसाब से अलग अलग टीवी में जो आईडी है टीवी का उसको सेम रखते हुए अलग अलग पैकेज बना के देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अभी भी कन्फ्यूजन की स्थिति है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन है वो लोग अभी तक नहीं दिए हैं कि बिलिंग इन्फॉर्मेशन क्या होगा, और जो ये अलग से नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी का जो चार्जेज है उसके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया है कि नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी क्या होगा। बस वे लोग इतना ही अनाउंस किए हैं कि ये जो नया रूम टीवी सर्विस है इसमें हर घर के मेंबर अपने हिसाब से पैकेज बना सकते हैं। तो जैसे ही ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन टाटा स्काई वालों की तरफ से आता है और एग्जैक्ट बिलिंग इन्फॉर्मेशन क्या रहता है उसके बारे में मैं जैसे ही आता है मैं आपको वीडियो के जरिए आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये था टाटा स्काई की तरफ से नया अपडेट, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आपको जो आने वाले दिनों में अपने जो टीवी सब्सक्रिप्शन को लेने में सहूलियत हो सके और आपके जो भी कन्फ्यूजन हो डे बाय डे वो दूर हो सके। तो जब से TRAI का मैंडेट आया है प्राइमरी कनेक्शन वालों को तो कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जो एक से ज़्यादा टीवी देखने वाले हैं उनके खर्च में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो इसको ही ध्यान में रख के अब जो DTH ऑपरेटर्स है ये कुछ नए नए पैकेज और नए नए ऑफर्स लेके आ रहे हैं, तो देखिए आगे आने वाले दिनों में और कैसे कैसे ऑफर्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही, जाने से पहले बस आपसे यही कहूँगा कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। और ये जो वीडियो है इसको बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सारे लोगों को ये जो नया ऑफर्स डे बाय डे आ रहा है उनको पता चलता रहे। अगर मन में आपके कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।